सरकार के कुछ लोगों ने गद्दारी किया, हमें धोखा देने का प्रयास किया ज्वाइंट कमेटी में। आज भी रो ही रवा है, मुझे ये महसूस हो रहा है, मेरे अनुभव हो रहा है कि सरकार में सिर्फ 4-6 लोग इस देश को चला रहे हैं, और ऐसे लोग अगर इस देश को चलाते हैं कि जिनको सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है, सत्ता और पैसा में मशगूल हो गए, ऐसे 4-6 लोग अगर देश को चलाते हैं तो इस देश का क्या होगा, ये मुझे संदेह है, मुझे चिंता का विषय लग रहा है। क्या होगा इस देश का? लोकपाल भी आ गया लेकिन ऐसे लोग, गद्दारी करने वाले लोग अगर हमारे देश को चलाते होंगे तो क्या होगा ये देश का? ये मुझे, मेरे सामने प्रश्न है, बड़ा चिंता का विषय मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी हमारे लोग हैं, ये कहीं इंग्लैंड से आए नहीं, हमारे देश के हैं। इंग्लैंड से आए नहीं, उनको बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए यही रास्ता है जो आपने अपनाया, वो यही रास्ता है इनको बदलने के लिए, जनशक्ति का दबाव वही रास्ता है। मेरी विनती है, देश में गांव गांव में आंदोलन चल रहा है, मेरी विनती है लोकसभा और विधानसभा से ऊंची है ग्राम सभा, ग्राम सभा ये दोनों से ऊंची है। ग्राम सभा को किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयंभू है, सार्वभौम है, किसी ने बनाया नहीं, संविधान बनाकर रखा ये ग्राम सभा को। क्या कहा, 18 साल की उम्र हो गई, मतदान करने का अधिकार मिल गया, ग्राम सभा का मेंबर बन गया, ऑटोमेटिक बन गया, इसको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसी ये ग्राम सभा है सार्वभौम, संविधान के मुताबिक इन ग्राम सभा ने एमएलए और एमपी को भेजा, इसलिए बनी है विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा की जननी है ग्राम सभा, ग्राम सभा इनकी जननी है, ये हमें पता ही नहीं चला। आज जो हो रहा है कि किसी किसान की जमीन लूटनी है, कंपनियों को जमीन देनी है, तो किसानों के ऊपर लाठी चला रहे, गोली चला रहे, क्या आपके पिता की संपत्ति है? या आपके पिता की संपत्ति है? अरे किसानों की जमीन लेना है तो ग्राम सभा का परमिशन ले लो, ये सार्वभौम है ग्राम सभा। जब तक ग्राम सभा का परमिशन नहीं लेते हैं तब तक ये डंडा चलाने का आपको कोई अधिकार नहीं। तो आगे के लिए इन बातों को हमें सोचना है, ग्राम सभा ये सार्वभौम है, सर्वोच्च व्यवस्था है लोकशाही की। तो मैं देशवासियों के लिए विनती करूंगा, अपने अपने गांव में ग्राम सभा का सुझाव ले लो, जन लोकपाल बिल के लिए ग्राम सभा सुझाव ले लो, और सुझाव लेकर भेज दो उनको, ग्राम सभा का सुझाव लेकर भेज दो, तो उनके दिमाग में कोई प्रकाश पड़ेगा। अगर नहीं आया तो पूरे देश की जनता, मैं अभी बताया, ऐसे एक आंदोलन फिर से खड़ा करेगी। अभी हमारे जो छात्र है वो छात्रों को मेरी विनती है, अभी रास्ते पर उतरने का समय आ गया, कई छात्र तो रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई छात्र रास्ते पर आ गए। शिरीष कुमार को याद रखना, एक छात्र होते हुए आजादी के लिए जान की कुर्बानी की, तो छात्रों ने इस बात को रखना है, सामने रखना है, तो छात्रों ने भी आगे आना जरूरी है। मैं इसके अलावा ज्यादा नाम कहते हुए मेरे शब्द को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे
वंदे इंग्लैंड इंग्लैंड धन्यवाद अन्ना हजारे ऑलराइट ही डजंट सीम टू हैव लॉस्ट एनी ऑफ हिज एनर्जी एंड व्हाई नॉट प्रणब मुखर्जी मीटिंग टीम अन्ना एट द मोमेंट टीम अन्ना नाउ आई हैव अ बेसिक प्रॉब्लम विद नेम्स लाइक दैट टीम अन्ना श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इंडिया अन्ना अन्ना इज इंडिया ये सब जो स्लोगन है दिस मिलिटेट्स अगेंस्ट माई थिंकिंग वाई डज इट मिलिटेट अगेंस्ट माई थिंकिंग बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ स्लोगन्स दैट वर यूज्ड फॉर द लेट इंदिरा गांधी These are the kind of slogans which lead to dictatorships. These are the kind of slogans which lead to tyrannies. Anna Hazare ek wo shaksiyat hain jinka kaam qabil-e-tareef hi nahi hai, bahut zyada prashansaniya hai. Anna Hazare ne baar baar aatmasamarpan kahein, anchan kahein, bhook hartal kahein, is hathiyar ko baar baar istemal kiya bahut bhrasht logon ke khilaf aur kai martaba wo safal bhi hue. लेकिन जिस प्रकार आज की तारीख में टीम अन्ना का जो जन लोकपाल बिल है और टीम अन्ना का खुदा ना खास्ता अगर जन लोकपाल असल में बन गया वी आर ऑल इन रियल ट्रबल. उसके बाद देश की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी. अब तक मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं आया है अन्ना हजारे और उसकी टीम द्वारा कि लोकपाल का लोकपाल कौन रहेगा, लोकपाल का लोकपाल कौन रहेगा. आज की तारीख में आप क्राउड को देखें अन्ना हजारे के आसपास जो लोग हैं, जो भीड़ है, मैं मानता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग आज तपे हुए हैं. हर कोई आंदोलन करना चाहता है, हर कोई आंदोलित है, हर कोई अन्ना हजारे के साथ खड़ा है. लेकिन जरा सोचिए लोकपाल, आज लोकपाल बनेगा वो लोकपाल 11 या 12 लोग जो उस लोकपाल मंच में होंगे वो तय करेंगे कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है. क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आज आपको भ्रष्ट नहीं कहा जा रहा इसलिए आज आप उसके लिए तैयार हैं. एक और चीज कही अन्ना हजारे ने जो मुझे बड़ी अजीब लगती है. अन्ना हजारे ने कहा कि किसी लखपति या करोड़पति की जयंती नहीं मनाई जाती. मेरी समझ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो अगर गांधी जी के बाद कोई है तो उसका नाम धीरूभाई अंबानी है. 28 दिसंबर जन्मदिन है धीरूभाई अंबानी का और मेरे लिए वो सबसे बड़ी जयंती है. वो जयंती इसलिए है क्योंकि सबसे पहली मर्तबा एक शख्स जो चोरवाड़ गांव में पैदा हुआ, जिसके पास एक पैसा नहीं था, जिसके पिताजी स्कूल मास्टर हुआ करते थे, कुछ नहीं था जिसके पास, उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी करी जिसमें करोड़ों लोग, आज करोड़ों लोग काम करते हैं, अरबों खरबों की वेल्थ क्रिएट की गई पूरे हिंदुस्तान के लिए. आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से ना जाने कितने करोड़ लोग हैं जिनका घर चलता है. हमें और धीरूभाई अंबानी चाहिए, हमें और नारायण मूर्ति चाहिए, हमें और नंदन निलंकनी चाहिए, हमें और अजीम प्रेम जी चाहिए. दीज आर द हीरोज ऑफ इंडिया. और अगर आप गांधी जी की भी बात करें तो गांधी जी को भी फाइनेंस करने वाले कौन लोग थे, अन्ना हजारे जी भूल रहे हैं. अन्ना हजारे कितने गर्व के साथ बोलते हैं कि 60,000 रुपए का श्रमदान दिया, कितने गर्व के साथ बोलते हैं कि रालेगांव सिद्धी में बिल्कुल आत्मनिर्भर कर दिया हमने अपने गांव को. कितने गांवों को आत्मनिर्भर किया धीरूभाई अंबानी ने, कभी सोचा है? किसकी बात कर रहे हैं आप? आज हिंदुस्तान जो अपने पैरों पर खड़ा है, छाती चौड़ी करके सिर ऊंचा करके उद्योगपति देशों के बीच में खड़ा है और अगले 10 या 15 साल के बाद हमारी आर्थिक व्यवस्था दुनिया के सबसे पहले 3 देशों में हो जाएगी. वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहां पर धीरूभाई अंबानी जैसे लोग थे, यहां पर के बिरला जी जैसे लोग थे. पोदार हो गए, बिरला हो गए, डालमिया हो गए, मफतलाल हो गए, वाडिया हो गए, गोदरेज हो गए और रुइया हो गए. इस किस्म के लोग आज हिंदुस्तान में हैं. इसकी वजह से आज की तारीख में इतनी टेलीविजन चैनल्स हैं और इन टेलीविजन चैनल्स के पास आज
वो शक्ति है कि अन्ना हजारे के भाषण हम लोग सुना सकें। वो देन किसकी है? वो देश के औद्योगिकरण की देन है, वो देश की अर्थव्यवस्था की देन है। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसको आज लताड़ा जा रहा है, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री थे नरसिंह राव की सरकार के दौरान, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को खोला, जिन्होंने हिंदुस्तान के सशक्तिकरण का पहला कदम उठाया। आज हम उसी को लताड़ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह परहैप्स हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट अनसंग हीरोज ऑफ दिस कंट्री। आज क्योंकि मनमोहन सिंह हर जगह से घिरे हुए हैं, आज क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास वो सशक्तिकरण नहीं है कि आज ठीक ठाक तरीके से जवाब दे पाए, इसलिए क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में इतने ज्यादा स्कैम हो गए, इतने ज्यादा स्कैम हो गए कि बेचारे मनमोहन सिंह कुछ कर नहीं पाए। वरना आज जो अन्ना हजारे बोल रहे हैं रामलीला ग्राउंड पर, सीधा प्रसारण हो रहा है उसका पूरी दुनिया में, यह भी दो लोगों की देन है, एक राजीव गांधी और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखें, इन्हीं लोगों को आप लताड़ रहे हैं, पछाड़ रहे हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए? क्या लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ नहीं किया? क्या इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया? क्या यह कहना चाहती है अन्ना हजारे की टीम कि अन्ना के पहले कुछ नहीं था और अन्ना के बाद कोई नहीं है? सोचने वाली बात है। आप भ्रष्टाचार के विरोध में बात कर रहे हैं, आप बात करें, लेकिन एक एक चीज, आज भारत का एक एक स्तंभ जो बना है, भारत के लाखों साल पुराने इतिहास में सतयुग से लेकर के आज तक ना जाने कितने लाखों करोड़ों ऐसे लोग आए और गए। सोचने वाली बात है। आज हम प्रजातंत्र में हैं, अन्ना तंत्र में नहीं हैं। ये लोकतंत्र है, टीम अन्ना तंत्र नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से अन्ना हजारे का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं और हमेशा उनके साथ रहूंगा, लेकिन आज जब किरण बेदी बोलती हैं या अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हर बात मान लें। आपने किया है, बड़ी अच्छी बात है। जैसे आज अरुणा रॉय बोल रही हैं, जन लोकपाल बिल जो अन्ना हजारे का है, अगर आज वो लागू हो गया तो आज की तारीख में लोकपाल प्रधानमंत्री हो, संसद हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोकपाल होगा। और उस लोकपाल को किसी ने नहीं चुना, वो चुनाव में चुन करके नहीं आया है, उसको अन्ना हजारे ने बनाया है। ये कहां का लोकतंत्र हुआ? ये तो अन्ना तंत्र हो गया। फिलहाल अन्ना हजारे को सुनते हैं नरेंद्र मोदी पर। लेट्स हियर अन्ना हजारे और नरेंद्र मोदी एंड नीतीश कुमार। लेट्स हियर अगेन। मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपने राज्यों में जो आदर्श किया है, उनका आदर्श हर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने लेना चाहिए और हमारे देश के लिए हर राज्य में इस प्रकार का काम हर मुख्यमंत्री ने करना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है। मैं पक्ष और पार्टी की तरफ नहीं देखता हूँ। इस देश के लिए जो काम करना है तो वो इसी प्रकार का काम करना चाहिए, जड़ में जाकर, लोगों के ग्रास रूट पर, वो बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कई बार ये बोलता, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपने राज्यों में जो आदर्श किया है, उनका आदर्श हर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने लेना चाहिए और हमारे देश के लिए हर राज्य में इस प्रकार का काम हर मुख्यमंत्री ने करना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है। मैं पक्ष और पार्टी की तरफ नहीं देखता हूँ। इस देश के लिए जो काम करना है तो वो इसी प्रकार का काम करना चाहिए, जड़ में जाकर, लोगों के ग्रास रूट पर, वो बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कई बार ये बोलता, अन्ना हजारे की तबीयत जरा बिगड़ गई है ऐसा डॉक्टर त्रिहन का कहना है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक अन्ना हजारे का अनशन खत्म हो जाएगा और सरकार हर चीज के लिए मान जाएगी। मेरा सिर्फ एक सजेशन है, ये मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप लोग रिएक्ट करें। एंड आई रीड आउट योर एसएमएसेस, आई शैल रीड आउट योर एसएमएसेस एज वेल, इंक्लूडिंग द एसएमएस ऑफ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर चित्रसेन अभियंकर, हु सीम्स टू बी रियली एंड ट्रूली एंग्री विद मी।
All right, I'll read it out too. But एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और वो ये है कि जहां तक अन्ना हजारे का सवाल है, इस पूरे जन लोकपाल बिल में, अन्ना हजारे का जो जन लोकपाल बिल है टीम अन्ना का, इसमें हर किस्म के करप्शन के बारे में बात की गई। हर किस्म की, पुलिस का करप्शन, कॉरपोरेट करप्शन, बिजनेस का करप्शन, ना जाने क्या क्या, प्रशासकीय अधिकारियों का भ्रष्टाचार, राजनीतिज्ञों का भ्रष्टाचार, सांसदों का भ्रष्टाचार, जजों का भ्रष्टाचार, केवल एक किस्म का भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। Now, could that be the reason for the 24/7 coverage that Anna Hazare and his team are getting? मीडिया के भ्रष्टाचार को लेकर के लोकपाल में कुछ नहीं है। जो बात सलमान खुर्शीद ने करी 3 दिन पहले, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। एक लोकपाल जरूर होना चाहिए, बाकी सबके लिए हो या ना हो। मीडिया में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर एक लोकपाल की जरूर आवश्यकता है। मीडिया का भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार है विचारों का भ्रष्टाचार, भ्रष्ट विचारों का भ्रष्टाचार, अनुचित विचारों का भ्रष्टाचार। अन्ना हजारे और उसकी टीम ने, अरविंद केजरीवाल हो, स्वामी अग्निवेश हो, प्रशांत और शांति भूषण हो, किरण बेदी हो, डिडोरिया सिसोदिया साहब हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, इन सब लोगों में से किसी ने मीडिया को इसमें शामिल नहीं किया है। क्या यह डर लगा हुआ था कि अगर मीडिया का भ्रष्टाचार भी इस लोकपाल में शामिल कर दिया गया तो हो सकता है कि मीडिया की कवरेज कम हो जाएगी? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। एंड कैन वी पुट दैट ऑन द क्वेश्चन प्लीज? आई रिक्वेस्ट आवर प्रोड्यूसर कानी टू पुट दैट ऑन द क्वेश्चन प्लीज। क्या मीडिया में भ्रष्टाचार भी लोकपाल बिल में होना चाहिए? न्यूज चैनल्स और अखबारों का भ्रष्टाचार, करप्शन इन द मीडिया, शुड दैट बी इंक्लूडेड इन द लोकपाल बिल? शुड दैट बी इंक्लूडेड इन द लोकपाल बिल? क्या मीडिया में भ्रष्टाचार भी लोकपाल बिल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताएं। आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 5888877 पर आप भेजें अपने SMS, send your SMSs on 5888877। फिलहाल देखते हैं सुषमा स्वराज जी को। सुषमा स्वराज ने क्या कहा आज संसद में जो कुछ भी हुआ, 2 मिनट के लिए चला संसद, जिसके लिए अन्ना हजारे, मैं उम्मीद करता हूं अन्ना हजारे बिल्कुल ठीक रहे और ठीक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, उनकी तबीयत जरा खराब हुई है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हो सकता है कि आज ही अन्ना हजारे का अनशन खत्म हो जाए, कल तक हो जाए, चूंकि प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बाकी सब लोगों ने असल में यह तय कर लिया है, आम सहमति बन गई है कि अन्ना हजारे की जो एजिटेशन है उसके तहत जो कुछ भी उन्हें चाहिए उनको दे दिया जाएगा, और बाद में संसद के ऊपर जो भी बातचीत होनी है इस पर, तर्क वितर्क का जो भी सिलसिला चलना है वो चलेगा। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द अन्ना हजारे जी का फर्श खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या मीडिया में करप्शन लोकपाल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिलहाल लेट्स हियर सुषमा स्वराज। लोग भारत माता की जय बोलकर अपनी बात कहते थे, लोग वंदे मातरम का उद्घोष करके अपनी बात कहते थे, लेकिन अध्यक्ष जी, सरकार ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हम क्या करेंगे तो आंदोलनकारी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जड़ में सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार के छोटे मोटे कांड तो आमतौर पर उजागर होते रहते थे, लेकिन पिछले 1 वर्ष में जितने बड़े व्यापक, जितने बड़े पैमाने के, इतनी बड़ी राशि के भ्रष्टाचार के कांड उजागर हुए और एक के बाद एक उजागर होते चले गए, ये उसका परिणाम है कि आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आदर्श सोसाइटी थमा नहीं के 2G आ गया, 2G थमा नहीं के CWG आ गया, CWG थमा नहीं के एयर इंडिया आ गया, एयर इंडिया थमा नहीं के KG बेसिन आ गया। लोग ये कहते हैं कि एक तरफ हम महंगाई के बोझ तले मर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी पदों पर बैठे हुए ये मंत्री करोड़ों करोड़ रुपया लूट रहे हैं।
अध्यक्ष जी, लोग ये कहते हैं कि एक तरफ करोड़ों का धन विदेशी बैंकों में जमा है और दूसरी तरफ गली की नाली और गांव का खड़ंजा बनवाने के लिए हम आवेदन देते देते थक जाते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि पैसा उपलब्ध नहीं है, राशि उपलब्ध नहीं है। हमें देखना होगा कि आखिर यह गुस्सा किस पर है, और इस भ्रष्टाचार के बाद इस आग में घी डालने का काम किया है उस सरकारी लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में जो लचर है और पिलपिला है। एक ऐसा बिल जिसके ना दांत है ना आंख है, एक ऐसा बिल इस सरकार ने पेश किया है। आपको याद होगा कि इसके इंट्रोडक्शन के समय भी मैंने खड़े होकर के कहा था कि ये बिल एकदम निष्प्रभावी बिल है, वो बिल जिसके दायरे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नहीं है, वो बिल जो सरकारी बाहुल्य कमेटी से लोकपाल को चुनता है, जो बिल सरकार के द्वारा लोकपाल को हटाने का प्रावधान करता है। अध्यक्ष जी, सरकारी बाहुल्य जिस कमेटी में होता है उसमें विमत को किस तरह दरकिनार किया जाता है ये मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। केवल वो कमेटी जहाँ हम 3 मेंबर्स थे, वहाँ विमत को दरकिनार करके जिस तरह CVC को अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ मैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मैं उस कमेटी के सदस्य थे। अपनी पूरी तर्क संगत बात में कहती रही, नोटिस यही है कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ। बातों ऐसे करें मैडम, ये तो बात ऐसी है कि न जाने कैसे ये दिल बहलाते हैं, ये खुद नहीं समझे औरों को समझाते हैं, ये खुद नहीं समझे औरों को समझाते हैं। मैडम, मेरी एक बात सुन लीजिए, न जाने कैसे आप दिल बहलाते हैं, ये खुद नहीं समझे औरों को समझाते हैं। मैडम, अभी मैं ये कहता हूँ सरकार की तरफ से, अभी इसको सुषमा जी अपनी स्पीच चालू रखें, लेकिन इसी को एकदम आप 193 में कन्वर्ट करके एक रेगुलर डिबेट शुरू करवा दीजिए भ्रष्टाचार पे। ये नहीं मैडम, ये कुछ कह देंगे, एक तरह तो कहते हैं कि 7 जगह इनकी सरकारें हैं, अब इनकी सरकारों में कहां क्या हो रहा है उसका जिक्र नहीं कर रही, और ये दिखा रही है कि यहां हो रहा है, ये भी रंपा का क्या हुआ है, पार्टिसिपेशन हो जाएगा 193 में, ले लीजिए। नहीं, अध्यक्ष जी, मेरा नोटिस प्रस्तुता स्थगन का है केवल, और मेरे नोटिस में ये कंटेंट है, आप मेरे नोटिस का कंटेंट उन्हें पढ़कर बता दीजिए। पिछले 3 दिनों में जो घटनाएं हैं, मैंने केवल उसके ऊपर नोटिस दिया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़ देता हूँ आपका, देश में बहुत जटिल परिस्थिति निर्माण हो रही है, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आज प्रश्नकाल स्थगित करके इस विषय को उठाना चाहती हूँ। आप बात और कह रही हैं, नोटिस और है, बिल्कुल मैडम, हमें विचार ख्याल था जब हमने, मैडम हमें ख्याल था कि ये बात ये करेंगे कि कैसे सुलझाई जा सकती है, यहाँ तो फिर अभी दोष वही उंगली उठाई जा रही है और गलत उठाई जा रही है। मैडम, मैं वही दोहरा रहा हूँ, मैंने कहा था, मैं जाने।
All right, Anna Hazare, not feeling too well. Now, this is something very interesting that I would like to present to you. All right, we'll talk about this in just a little while. First, let's have Salman Khurshid on air, please. Let's take a look at what Salman Khurshid, the law minister, had to say. Let's take a look. होनी चाहिए, कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जिसे सब लोग स्वीकार कर सकें देश में। कहीं लाख दो लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, वो बड़ा महत्व है उस बात का, लेकिन लाख दो लाख देश के करोड़ों लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। देश के करोड़ों लोग क्या चाहते हैं वो तो सिर्फ चुनाव में ही स्पष्ट होता है। आपस में बात होनी चाहिए, कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जिसे सब लोग स्वीकार कर सकें देश में। कहीं लाख दो लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, वो बड़ा महत्व है उस बात का, लेकिन लाख दो लाख देश के करोड़ों लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। देश के करोड़ों लोग क्या चाहते हैं वो तो सिर्फ चुनाव में ही स्पष्ट होता है। All right, now here, there's something really very interesting. I never thought there would come a day when I would agree with Arundhati Roy. I never thought I would agree with Arundhati Roy. But here, this is something worth looking at. Arundhati Roy is writing in the Hindu. हिंदू में लिखते हुए अरुंधति रॉय ने ये कहा है, आई वुड रादर नॉट बी अन्ना, दैट्स व्हाट शी सेज, एंड दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस समथिंग व्हिच आई वुड रियली वुड लाइक टू रीड आउट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द कैंपेन, दैट इज अन्नास कैंपेन, इज बीइंग हैंडल्ड बाय पीपल हु रन अ क्लच ऑफ जेनरसली फंडेड एनजीओज हुज डोनर्स इंक्लूड कोका-कोला एंड द लेमन ब्रदर्स। कैन वी हैव द फुटेज ऑन प्लीज। कोका-कोला एंड द लेमन ब्रदर्स रन बाय अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया। Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. This is what it says. Now, do read the Hindu today. And the organization is called Kabir. Kabir naam hai organization ka, run by Arvind Kejriwal, Manish Sisodia. Key figures in team Anna has received $400,000 from the Ford Foundation in the last 3 years. Among contributors to the India Against Corruption campaign, there are Indian companies and foundations that own aluminium plants, build ports and special economic zones, and run real estate businesses, and are closely connected to politicians who run financial empires that run into thousands of crores of rupees. Some of them are currently being investigated for corruption and other crimes. Most interesting. Very, very interesting. Now, and the other thing that she writes about is really and truly very strange. And this is something which needs looking into. Employees of the Municipal Corporation of Delhi, that is MCD, 15 trucks and 6 earth movers worked around the clock to ready the slushy Ramlila grounds for the grand weekend spectacle of Anna Hazare on fast. Now waited upon hand and foot, watched over by chanting crowds and crane-mounted cameras, attended to by India's most expensive doctors. The third phase of Anna's fast unto death has begun. From Kashmir to Kanyakumari, India is one, the TV anchors tell us. And very, very, very strange, but nobody has talked about the fact that why is it that all television channels are waxing eloquent about Anna Hazare? Why all of us are just talking about only one side of Anna Hazare's campaign? Now, remember the campaign for the Jan Lokpal Bill gathered stream around the time as embarrassing revelations by WikiLeaks and a series of scams, including the 2G spectrum scam, broke, in which major corporations, senior journalists and government ministers and politicians from the Congress as well as the BJP seems to have colluded in various ways, as hundreds of thousands of crores of rupees were being siphoned off from the public exchequer. For the first time in years, journalists or lobbyists were disgraced, and it seemed as if some major captains of corporate India would actually end up in prison. That's right, would actually end up in prison, which some of them did. No journalist, of course, has gone to jail. And I don't think they should, but some of them do deserve it. Some of them have a lot to answer for. Kiran Bedi ne, Arvind Kejriwal ne, Manish Sisodia ne, Swami Agnivesh ne, Shanti aur Prashant Bhushan ne, aur Anna Hazare ne. Neela Radia, 2G scam, aur hamare bade bade television ke jo anchors hain, inke baare mein aaj tak kabhi zikr nahi kiya hai. Aaj tak zikr nahi kiya hai.
क्या आपको लगता नहीं है कि ये जरा अजीब है?